नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किए हैं और राजकीय समारोह में भाग लिए हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, मंत्री महेश्वर हजारी सिरा मंडल, भोला पासवान शास्त्री के राजकीय समारोह में शामिल होने पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भोला पासवान शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर राजकीय समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी मौजूद थे, साथ में परिवहन मंत्री शीला मंडल भी थी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी, परिवहन विभाग के मंत्री शीला मंडल और विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो नंदकिशोर यादव, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने भोला पासवान शास्त्री के जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये घोषणा भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री के द्वारा किया गया है कि अगले साल जब भोला पासवान शास्त्री का जयंती मनाया जाएगा उससे पहले उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और ये आपको हम तश्मीर दिखा रहे हैं पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण के, जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नंदकिशोर यादव जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी और शीला मंडल हैं और साथ में जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और भोला पासवान शास्त्री की आज जयंती था। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार बिहार के वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और आज उनकी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजकीय समारोह में पहुंचे थे और साथ में नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मंत्री महेश्वर हजारी और शीला मंडल भी पहुंचे थे। सभी लोगों ने भोला पासवान शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ।